हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सर्विस चैनल। स्टडी सर्विस चैनल के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड 2019 का जो बैच अब स्टार्ट होगा इसके बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि 1 जून को इसका आपका एंट्रेंस एग्जाम है, इसके बारे में मैंने डिटेल में पीछे भी करवाया था आप लोगों को। तो आज इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कोर्स के बारे में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, बिकॉज इसमें मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ अबाउट द सिलेबस ऑफ एचपीयू बीएड 2019 के जो एंट्रेंस रहेगा, जो आपका 1 जून 2019 को रहेगा। ओके, तो फीस वगैरह के बारे में, सीट्स वगैरह के बारे में मैंने पीछे डिस्कस कर दिया था, वो आई थिंक काफी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो सिलेबस के बारे में ऑलमोस्ट स्टूडेंट कह रहे थे, तो उसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि सिलेबस इसका क्या रहेगा और अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम क्या क्या करवा रहे हैं इन 20 दिन के बाद। जैसा आपको बताया कि 20 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो उसी के रिगार्डिंग एक क्रैश कोर्स हो रहा है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा वो 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ओके, 4 या 5 पार्ट में क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रहेगा इसमें एजुकेशनल, ठीक है, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग टेस्ट। ओके, इसमें आपका एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा, एप्टीट्यूड जो आपके टीचिंग टेस्ट है इसके ऊपर रहेगा। सेकंड आपका रहेगा कमीशन एंड कमेटीज। ओके, थर्ड आपका रीजनिंग और इंटेलिजेंस टेस्ट रहता है, जिसमें आपकी रीजनिंग भी पूछी जा सकती है और आपके मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पूछे जाते हैं। थर्ड आपका जो रहेगा फोर्थ, ओके, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस में आपका पूरा जीके पार्ट रहेगा, जिसमें आपका करंट अफेयर का पार्ट थोड़ा सा रहेगा, बिकॉज करंट अफेयर के 1 या 2 क्वेश्चन रहेंगे, बट हम फिर भी इसमें डिस्कशन कर लेंगे। हिमाचल रहेगा आपका, हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, पॉलिटी रहेगा, साइंस एंड इंडियन ज्योग्राफी, और कुछ इसमें स्टैटिक पार्ट भी रहेगा। स्टैटिक पार्ट से आपके 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहना। इसके बाद आपका हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर रहेगा, जिसमें आपका हिंदी और लैंग्वेज में आपका हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी आता है 5-5 मार्क्स का, वो भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज का एक डिटेल सिलेबस और आपका कोर्स भी पूरा है। तो उससे पहले स्टडी सर्विस के इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलें जो भी आपका फ्रेंड या आपका कोई भी कजन या कुछ भी कोई भी आपका एग्जाम दे रहा है, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आप लोगों को बीएड के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेसिकली ये पता नहीं होता है कि टीचिंग में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के और कॉमेटिस के ऊपर के। तो टीचिंग के ऊपर जो आपका रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टीचिंग का ही रहेगा, जिसमें आपका नेचर रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, करेक्टरिस्टिक रहेंगे और आपके बेसिक रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसमें आपका टीचिंग का क्या रहेगा, टीचिंग में आपका सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो उनके एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं वो सेम होते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाए कि एक टीचर का स्टूडेंट्स के लिए क्या मुख्य कर्तव्य रहता है। ओके, तो क्या रहता है उसके लिए कि स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाए, ये भी उसका रहेगा, और बेसिक नेसेसिटी क्या होती है इसमें, ये सारा उसमें डिस्कस किया जाता है। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टूडेंट्स जो आपका एक टीचर होता है उसके घर में क्या होना चाहिए, तो बेसिक उसके पास बुक्स जो होती हैं वो पूरी होनी चाहिए, बेसिक लाइब्रेरी। फिर उसकी ड्रेसिंग के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन कि उसकी कैसी एक ड्रेसिंग होनी चाहिए। फिर जैसे वो पढ़ाता है, टीचर जो होता है वो उसको श्याम पट, जिसे आप ब्लैक बोर्ड कहते हैं, उसका यूज कितना करना चाहिए, और बच्चों के साथ उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, इसके बारे में 3-4 के क्वेश्चन है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपका लर्नर करेक्टरिस्टिक जो मैंने पीछे डिस्कस किया, फिर आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग जो आप लोगों के मैंने डिस्कस किया वो आपका ब्लैक बोर्ड के ऊपर, मेथड ऑफ टीचिंग ये भी आपको आना चाहिए, टीचिंग एड्स होती हैं जो इसका भी है, एवोल्यूशन सिस्टम एंड इसके प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को इस कोर्स में पूरा करवाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को हमेशा एग्जाम में मिलते हैं, जैसे आपके कमीशन या कमेटीज के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुकेशन कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच फोकस्ड ऑन सेकेंडरी एजुकेशन वाज चेयर्ड बाय, तो ये आप लोगों के जो ये 4 पर्सन है इन लोगों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन है, ये कौन सी कमेटी को इन्होंने चेयर किया था या अध्यक्षता इनकी अंतर्गत हुई थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो आपका फर्स्ट है, जैसे इसका आंसर क्या आना चाहिए कि ये कमेटी को किसने चेयर किया था या कौन इसकी अध्यक्षता थी, किसके अंतर्गत ये आया था, ये भी आप लोगों का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपके लक्ष्मी स्वामी मुरलीधर है उन्होंने इसको
शेयर किया था, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो इसको भी देख लीजिए। इसके बाद आपका ताराचंद कमेटी है, ये प्रोवाइड किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर हुई थी, तो ये आपकी हुई थी सेकेंडरी एजुकेशन की ऊपर, ठीक है। इस तरह के आपके क्वेश्चन है। फिर आपसे एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोठारी कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह के जितने भी हैं आप लोगों के, सर्व शिक्षा अभियान है जो आपका, उसके ऊपर पूछा जा सकता है। फिर आपका जैसे एनसीईआरटी में अभी 10th क्लास से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेशन हुई है, उनसे ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हिमाचल प्रदेश में आपकी जो ड्रेस के ऊपर हुआ है वो क्वेश्चन, उसके ऊपर भी आपका पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे 2016, 17 और 18 के, अगर आपने ये देखे होंगे किसी ने भी, मैंने खुद देखे हैं ये पेपर, तो 2016 और 17 का पेपर काफी टफ था एज कम्पेयर टू 2018 का पेपर जो लास्ट ईयर का था, वो काफी एक बेसिक सा पेपर आपका एग्जाम में पूछा गया था, उसमें इतना टफ नहीं था, उसका सारे क्वेश्चन इजी थे। बट अगर आप 2016-17 का एग्जाम देखते तो वहां पे टफ क्वेश्चन पूछे थे। तो आई थिंक इस तरह का आपका पैटर्न रहता है, डिपेंड ऑन द टीचर, जो आपका टीचर जो आपका एग्जाम पुटअप कर रहा है तो वो क्वेश्चन टफ भी पूछ सकता है। बट आप लोगों ने इसको पहले नहीं पढ़ा है तो आपके एग्जाम के हिसाब से इजी क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, कि एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके काफी अच्छे मार्क्स और आप इसको क्रैक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है द मेन पर्पज ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए, जिसे आप कहते हैं इन एनी स्कूल इज, तो ये किसके लिए होती है आपकी, तो इसका मेन यही रहता है इन्वॉल्व पेरेंट्स फॉर इम्प्रूविंग ऑफ स्कूल फंक्शनिंग। जहां से भी आपका एक क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है पीटीए के ऊपर। फोर्थ आपका है स्टूडेंट गिव ए पार्शियल करेक्ट रिस्पॉन्स टू योर क्वेश्चन देन यू विल बी, यहाँ से टीचर इफेक्टिव का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, चारों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ का क्या रहेगा, टेल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन है काफी इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद आप लोग देख लीजिए जर्नल अवेयरनेस के ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जर्नल अवेयरनेस भी आपको किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का पार्ट रहेगा। तो जर्नल अवेयरनेस के ऊपर आप लोगों को सिंपल पहले जैसा हिस्ट्री से ले लीजिए, तो हिस्ट्री के ऊपर जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है जैसे आपका है कि भारत पे पहला जो मुस्लिम शासक है इनमें से किसने पहले भारत के ऊपर आक्रमण किया, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को इजीली इसमें मिल सकते हैं। आफ्टर देन आपके जो फ्रीडम फाइटर है उनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दादाभाई नौरोजी है जो, इनके ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा जाए, ज्यादा टफ नहीं पूछा जा सकता, कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपके जो दादाभाई नौरोजी है इनको जाना जाता है। फिर आपके जो राजा जो आपके सी राजा गोपालचारी है इनको भी किस नाम से जाना जाता है, तो ये एक लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर भी थे और इनको जाना जाता है राजा जी और सीआर, ठीक है, दोनों नाम से इसको इनको जाना जाता है। इसके बाद बाल गंगाधर के ऊपर भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका इनसे पूछा जा सकता है, तो आप प्लीज इसको देख के जरूर जाना इन एग्जाम को, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। फिर आपसे क्वेश्चन सिंपल सा एक और पूछा जा सकता है कि 1939 में जब आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे, इन्होंने जब आप कांग्रेस को छोड़ा था तो इन्होंने किस दल की स्थापना की थी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड क्वेश्चन आपको जो पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, वो सुभाष चंद्र बोस थे और इन्होंने कांग्रेस को कब छोड़ा था, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1939, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ये भी पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले किसने दिया था, तो ये आपके थे मंगल पांडे। फिर स्टैटिक जीके में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो जो आपकी सरोजनी थी वो थी, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था, तो आपके लाला लाजपत राय, और भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, सैंडर्स, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। फिर आपका जनरल जियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन है, जियोग्राफी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो मिट्टी के ऊपर होते हैं, ठीक है, कि ये मिट्टी में कौन सी होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो तो होती है आपकी, फिर ऋतुओं के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, फिर खरीफ की फसल है ये कब उगाई जाती है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। फिर आपके जो पर्वत पठार हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, फिर आपका जो हिमालय पर्वत है इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और कपास की फसल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, यूपी में कौन सी सबसे ज्यादा फसल होती है, गन्ने का उत्पादक देश कौन, गन्ना कहाँ सबसे ज्यादा है, लोहा उत्पादक देश कहाँ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आपकी जियोग्राफी ऑफ इंडिया कि कौन सी जो रेखा है आपकी वो कहाँ से क्रॉस करती है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। आफ्टर देन आपका इंडियन पॉलिटी आता है, इंडियन पॉलिटी में आप लोगों को क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की किस कब हुई थी और इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी, इस तरह के क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, कमेटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे,
प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ये प्लीज आप लोग पढ़ के जाना। सीएम से रिलेटेड अभी आपके इलेक्शन हो रहे हैं 2019 में, ये भी आपको पता होना चाहिए ये कितने चरण में आपका होता है, 5, 6 या 7, तो 7 इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्शन के ऊपर की इस टाइम कौन है आपके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है आपके, इसके ऊपर आ सकता है आपका। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है, जैसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके कि आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन है। फिर आपसे पूछा जा सकता है इस कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टाइम कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है। फिर आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो आपका है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन आरएसएस के ऊपर, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, करंट के क्वेश्चन है, हर किसी के माइंड में होते हैं, तो इसको आप लोग देख लेना एक बार। फिर आपसे राष्ट्रीय ध्वज कब, इसको इसकी डेट भी पूछी जा सकती है आपसे। फिर आपकी जो इंडियन पॉलिटी में मेन क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे भाग आता है, प्रीएम्बल में क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन सी होती है, नीति निर्देशक जो आपके सिद्धांत होते हैं, मूल कर्तव्य किसके अंतर्गत आते हैं, कौन से भाग या कौन से पार्ट के अंतर्गत, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से ऊपर जैसे आपके 5 ईयर प्लान है, इनसे भी क्वेश्चन एक दो पूछे जा सकते हैं कि पहला प्लान कब आया, किसने इसकी अध्यक्षता की, कौन इसको मेन था। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति से रिलेटेड, फिर आपका जो ब्लू है, ब्लू मनी, ये किससे रिलेटेड है आपका, फिर फिशरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इनको एक एक बार देख लेना। जनरल साइंस में आपको वर्ड के ऊपर क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा सकते हैं, SI यूनिट जो भी होती है आपकी। फिर आपका घनत्व होता है, PI होता है, ये सारे जितने भी, PH होता है, ओके। ये फिर आपके विटामिन के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, ये भी सारे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें एग्जाम में। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ भी आते हैं, बट ऑलमोस्ट बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जनरल अवेयरनेस में मैं एक पार्ट भूल गया, वो था आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से आपको जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 20 to 25 क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं आपको एग्जाम में। तो हिमाचल प्रदेश को आप लोगों ने लाइटली नहीं लेना है, तो हिमाचल प्रदेश के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे प्लीज आप लोग उसको पढ़ लेना। जैसे HP हिस्ट्री में आप लोगों के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनपद के ऊपर कि कौन सी सबसे शक्तिशाली आपका जनपद या जनजाति थी, जो आपकी शांबर है। फिर एक जो आपके आर्य जनपद थे ये कौन थे। फिर आपके दर्रे के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे हडिम्बा देवी जो माता का मंदिर है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर, जो आपकी रेलवे लाइन्स है ये कब बनी, फिर इनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर सोलन किस लिए फेमस है आपका, शिमला किस लिए फेमस है। फिर औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है आपका सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया। फिर आपका पौंटा साहिब से आ सकता है, गुरु गोविंद सिंह से ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। फिर आपको पूछा जा सकता है कि जितने ये पासिस हैं आपके इनसे ऊपर क्वेश्चन आता है। NH के ऊपर क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि कौन सा NH 22 कहाँ से है, कहाँ पे है। फिर आपके जो ये 103 टनल है इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के ऊपर पूछा जा सकता है। HP बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन है, कब इसकी स्थापना हुई थी। फिर आपके गवर्नर कौन है इस टाइम, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। CM है जो सबसे ज्यादा कौन बने थे, या इस टाइम प्रेजेंट में कौन है। राज्यपाल के ऊपर आपका क्वेश्चन कौन आ सकता है कि जैसे कि अपने टाइम पीरियड में कौन सा राज्यपाल जिसकी मृत्यु हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है। एडवांस स्टडी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपके जितने भी फॉल्स हैं, रिवर्स हैं जितनी भी आपकी, यहाँ से आपका इजीली एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो जितने भी मैंने आप लोगों को टॉपिक बताए हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इजीली क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके यहाँ पे नहीं है। और हिमाचल प्रदेश का जो आर्ट एंड कल्चर है यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जा सकता है कि जैसे आपकी चित्रकला शैलियाँ हैं ये कहाँ से है, कौन सी है, सबसे प्राचीन कौन सी है आपकी। बुलेर शैली इसको किस रियासत के शासकों ने बनाया था, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे कांगड़ा का है तो जो आपकी कांगड़ा शैली की पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी लघु चित्रकला ये किस वंश ने की देन है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका इजीली पूछा जा सकता है। और कांगड़ा कलम है ये, और इसने किस काल में ये बनाए गए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप लोगों ने एक बार ध्यान से देना है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे, ओके। अब आपका आएगा इसमें रीजनिंग के ऊपर, रीजनिंग में आपके क्वेश्चन आएंगे, जैसे नंबर सीरीज के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3, 6, 9, 18, यहाँ से क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन मार्क होगा, इसके बाद क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका 5, 25, 125 इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनालॉजी में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा कार, फिर आपका ट्रक आ गया, फिर आपका आ गया साइकिल,
ओके, इनमें आपको और बताना है, थर्ड आपका आ गया एरोप्लेन। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये तीनों राइट हैं, बट जो आपका ये है, ये आपका प्लेन एयर में उड़ता है, बाकी सारे रोड पे चलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लासिफिकेशन में आपका जो वर्गीकरण होता है, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आता है। कोडिंग डिकोडिंग ये काफी होती है, अगर हम जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर ए वी को हम एक्स वाई कहते हैं तो जेड एक्स को क्या कहेंगे, चार पांच ऑप्शन होंगे, काफी इजी होंगे, वो आपका इजीली क्वेश्चन होगा। फिर आपका रिलेशनशिप टेस्ट होगा, जो आपका ब्लड रिलेशन होता है, इसमें आपका ट्री होता है, इसमें मैं आप लोगों को एक नॉलेज दे दूंगा, उसमें आप लोग अगर आप चाहते हैं तो वीडियो मेरी एक रीजनिंग की ऊपर पड़ी है, वहां से आपका ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। ओके, डायरेक्शन जो आपकी होती है वो यही है, NEWS, ओके, नॉर्थ साउथ। इसमें आपका इजीली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका ए है वो अगर आपका नॉर्थ में जाता है फिर वो राइट साइड चलता है अपने, फिर वो लेफ्ट में चलता है, ओके, फिर वो किस डायरेक्शन से, यहाँ से कितनी दूरी है उसकी, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। फिर रिलेशनशिप में आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरे मामा के बेटे के बेटी है, तो इसका क्या रिलेशन है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परसेंटेज क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक पर्सन है, उसने 800 रुपए थे उसके पास और उसने 80% उसका खर्च कर दिया, तो उसके पास कितने पैसे बचे, तो आपने इसका सिंपल सा ऐसे आंसर करना है, 80 को 8, 160। ओके, तो ये भी आपका इजी है। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एबीसी एक बिजनेस करते हैं जिसमें ये 20 देता है, ये 30 और ये 40, तो इसको बाद में इतना प्रॉफिट होता है, तो बताइए इनको कितना कितना प्रॉफिट हुआ, तो इस पे क्वेश्चन आपका इजीली क्वेश्चन आता है। फिर एज क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, एज क्वेश्चन में यही आएगा कि राम आज से 10 साल पहले अपने पिता से 5 साल के बराबर था, कुछ ऐसा होगा, या अपने फ्रेंड के बराबर, तो इससे एज क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि उनमें इतना रेशियो का गैप था, तो आज उनके फादर बीच में गैप ऐसी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो मैं आप लोगों को डिस्कशन करवा दूंगा। इसके बाद आपका ग्रामर पार्ट आता है, ग्रामर पार्ट में आप लोगों से काफी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और टफ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्पॉटिंग एरर है, आई थिंक इस साल पूछा जा सकता है आपका, बट एक ऑप्शन कम पूछा जाता है, बट मैंने फिर भी इसको ले लिया है। स्पॉटिंग पार्ट में आपका ए एंड द इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे स्पेलिंग का भी होगा इसमें, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। फिर बर्फ का यूज, जैसे ऐसे इवेंट कहाँ पे यूज होगा, बिल शेल, इस ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इजीली पूछे जा सकते हैं, बट पूछेंगे नहीं अकॉर्डिंग टू मी, बट फिर भी मैंने दे दिया। फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का होगा, जैसे यहाँ पे आ गया दिस इज एन यूनिवर्सिटी, ओके, यहाँ पे उन्होंने बोलना है कि दिस इज एन यूनिवर्सिटी, तो इसको इम्प्रूव करो, तो यहाँ पे एन की जगह ए कर दोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर एंटोनिम सिनोनिम जो आपके होते हैं, इसके ऊपर भी आता है क्वेश्चन, जैसे आपका अपोजिट वर्ड में फॉल्स ट्रू हो गया, फार नियर हो गया, फास्ट स्लो हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको पूछे जा सकते हैं, किसी भी चीज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो ये भी होंगे। वॉइस नरेशन और स्पॉटिंग एरर जो मैंने डिस्कस किया। फिर आपको आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो भी आपसे पूछे जाते हैं, और मेनली जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आपके आर्टिकल पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डैश बे ऑफ बंगाल लाइज इन द इंडियन ओशन, ओके, तो इसका क्या राइट आंसर आएगा आपको पता होना चाहिए, द आएगा, बे ऑफ बंगाल के आगे हमेशा द आता है। फिर आपका क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि ब्रेव इज नॉट अफेयर ऑफ डेथ, ठीक है, तो इसके आगे आपका द ही आएगा। फिर कुरान के ऊपर आता है जब भी है, द ही आएगा इसका ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसको ध्यान देना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, कंप्लीट सिलेबस आपको मैं इसमें कंप्लीट करवाऊंगा। डेली आपके 3 लेक्चर होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हो लाइव लेक्चर को, PDF नोट और मॉक टेस्ट, ओके। कल मॉर्निंग से क्लास स्टार्ट हो रही है, कोई भी ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है, फीस इसकी 999 रहेगी, ओके, ऑनलाइन वन टाइम पेमेंट होगी, नॉन रिफंडेबल होगी, आप लोगों को एक डेमो लेक्चर दिया जाएगा, ओके, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7018705157, ओके। कोशिश करूंगा आप लोगों को मैं कि और लास्ट ईयर के जितने पेपर हुए हैं वो आप लोगों को मैं सॉल्व करके दे दूं, अगर मेरे को मिल गए तो मैं आप लोगों को जरूर प्रोग्राम दे दूंगा, ओके, कोशिश करूंगा आप लोगों को मॉक टेस्ट भी इसके ऊपर दे दूँ, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।